दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि हम अपना यूएन नंबर का पासवर्ड कैसे चेंज करें या कैसे बदलें। दोस्तों आज के इस वीडियो का यही टॉपिक है कि कभी कभी क्या होता है कि हम अपना यूएन नंबर का पासवर्ड भूल जाते हैं, तो उसी पासवर्ड को आज के इस वीडियो में हम बदलना सीखेंगे, कैसे उसे रिसेट करें या बदलें। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूँ कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएँ। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले अपने मोबाइल में अपना ब्राउज़र ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद से यहाँ पे गूगल के सर्च बॉक्स में EPF टाइप कर सर्च करेंगे। यहाँ पे मैंने EPF टाइप किया तो ऊपर आ गया, तो मैं इस पर क्लिक कर दूँगा। क्लिक करने के बाद से यहाँ पे पहले वाले लिंक पे क्लिक करेंगे, epfindia.gov.in पर क्लिक करते ही आप PF के ऑफिशियल साइट पर आ जाएंगे। उसके बाद से यहाँ पे सर्विस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद से यहाँ पे दूसरे नंबर पे फार एम्प्लाइज शो होगा, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद से यहाँ पे दूसरे नंबर पर मेंबर UN ऑनलाइन सर्विस, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद से UN नंबर और पासवर्ड का डायलॉग बॉक्स शो हो जाएगा। उसके बाद से हम अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद से यहाँ पे आपको फॉरगेट पासवर्ड का डायलॉग बॉक्स हो जाएगा जिसमें आपको UN नंबर और ये जो कैप्चा शो हो रहा है यहाँ पे इंटर करना है। उसके बाद से यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद से यहाँ पे इंटर योर डिटेल मांगा जाएगा, तो यहाँ पे अपना नेम इंटर करेंगे और डेट ऑफ बर्थ इंटर करेंगे और यहाँ पे मेल या फीमेल है तो यहाँ पे इंटर करेंगे। उसके बाद से नीचे आपको वेरीफाई का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद से स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे कैप्चा और यहाँ पे अपना आधार नंबर इंटर करना है। उसके बाद से यहाँ पे टिक करेंगे। उसके बाद से नीचे फिर एक बार वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई के लिए इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद से डिटेल वैलिडेटेड हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे जो आधार से लिंक मोबाइल नंबर होगा यहाँ पे इंटर करेंगे। उसके बाद से यहाँ पे टिक करेंगे। उसके बाद से यहाँ पे गेट OTP का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे सेंड OTP सक्सेसफुली, यहाँ पे OTP सेंड सक्सेसफुली हो गया है तो OTP यहाँ पे इंटर करेंगे और यहाँ पे ऊपर वाले में कैप्चा इंटर करेंगे। यहाँ पे देखिए मेरा OTP आ गया। उसके बाद से यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेगा, वेरीफाई और रिसेंड OTP, तो यहाँ वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। उसके बाद से स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे अपना जो भी आप पासवर्ड रखना चाहते हैं वो यहाँ पे इंटर कर लेंगे और पासवर्ड कैसे रखना है यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पे ऐसा पासवर्ड रखना है, मिनिमम 7 कैरेक्टर होना चाहिए, कम से कम 7 कैरेक्टर होना चाहिए, कम से कम एक छोटा लेटर होना चाहिए और कम से कम एक बड़ा लेटर होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए और अल्फ़ाबेट ये सब होना चाहिए। वही पासवर्ड यहाँ पर दोबारा से इंटर करेंगे। यहाँ पे नीचे आपको दो ऑप्शन मिलेगा, सबमिट और कैंसिल, तो यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको लिख के आ जाएगा कि योर पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली, क्लिक हियर टू लॉगिन। तो यहाँ पे आपका पासवर्ड जो होगा वो सक्सेसफुली चेंज हो जाएगा और यहाँ पे UPFO की तरफ से भी मैसेज आ जाएगा। मैसेज में देखिए यहाँ पे आ गया और ईमेल में जो आप दिएंगे उस पर भी मैसेज आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप भी अपने घर बैठे अपने मोबाइल की सहायता से अपने UN नंबर का पासवर्ड चेंज या बदल सकते हैं। दोस्तों यदि यह छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। यदि वीडियो से रिलेटेड कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। बाय, टेक केयर।